गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस खरे व्लॉग। कैसे हैं आप सब? सब मस्त होंगे और मस्त होने भी चाहिए, बढ़िया एकदम। तो एक सेकंड गाइस, तो गाइस टाइम हो रखा है, नाइट के 8 बजे हैं और मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल, तो मेरे को लगा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बट मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है व्लॉगिंग करनी, तो मैं व्लॉगिंग करने के वजह से रेसिपी भी शेयर कर दूंगी उसके अंदर। बिल्कुल प्रॉपर नहीं करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज ब्रेड पकौड़े डिनर में। सही सुना आप लोगों ने, ब्रेड पकौड़े डिनर में। अब आप लोग सोचोगे कि ब्रेड पकौड़े डिनर में कौन खाता है? मेरे पति खाते हैं। अजीबो गरीब उन लोग, उनको ना डिमांड होती है उनकी अजीबो गरीब खाने की, तो आज उनकी डिमांड है डिनर में ब्रेड पकौड़े। माय गॉड। तो गाइस मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, हरे धनिया हरी मिर्च की चटनी बना ली है, क्योंकि हम आप लोग बोलोगे बार बार उधर क्या देख रही हो, मेरे आलू बॉयल हो रहे हैं ना, तो मैं उस मेरा ध्यान उधर ही। तो ना गाइस मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ मैंने ग्रीन चिली की चटनी बना ली है और क्या कहते हैं प्याज वगैरह सब कट कर लिया, और घर में देखा तो ब्रेड खत्म थे, तो पति देव गए थे ब्रेड लेने, और देखो अब सडनली ब्रेड लेके आ चुके हैं। आ गए? तो गाइस ये देखो ब्रेड लेके आ चुके हैं, कितने चटोरे हैं मेरे पति। देखो रात को 8 बजे ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं, ये देखो। तो ये देखो गाइस हम लोगों के ब्रेड खत्म हो गए थे, क्योंकि मैं सैंडविच बना लेती हूँ ना मॉर्निंग में ज्यादातर, तो ब्रेड खत्म थे, ध्यान नहीं दिया, सारी तैयारियां कर ली थी, ब्रेड एकदम फिनिश। तो ये ब्रेड लेने गए थे, और हाँ ये रेड सॉस, टमाटो रेड सॉस, ये भी खत्म हो रखा था। गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आजकल डेली ही सैंडविच बना लेती हूँ मॉर्निंग में, तो मेरा रेड सॉस भी खत्म हो चुका था, और क्या कहते हैं ये भी खत्म हो चुका था। एक सेकंड गाइस। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं, अब मेरे पति थोड़ा सा परेशान हो चुके हैं। एक सेकंड सुनिए जी, क्यों परेशान हो गए जरा बताइए। इधर आइए, थोड़ा लाइट की, इनका लाइट का रिफ्लेक्स उल्टा पड़ रहा है, मैं इधर आती हूँ। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि ये परेशान क्यों है। इनकी एक जैकेट थी, बहुत प्यारी जैकेट थी, और ब्लू कलर की जैकेट थी वो, और गाइज उस पे ना मेरे से दूध गिर गया। 3 दिन पहनी थी बस, इन्होंने 3 दिन पहनी थी, 3 दिन पहनी थी, और गाइज उस पे ना मेरे से ना दूध गिर गया, और दूध कच्चा दूध था, मतलब जो कि लिखा तो उस पे काओ मिल्क है, वो भी लिखा 100% काओ मिल्क लिखा है। एक सेकंड मैं बता दूं, सबको इधर आओ ना, आप इधर आओ एक मिनट, आओ ना इधर, सबको बता दूं। तो ना गाइस वो हमने ट्रैकलीन भी करा लिया, अभी ये ट्रैकलीन कराने ही गए थे ना, तो इन्होंने बताया कि ट्रैकलीन कराने के बाद भी वो दूध के दाग नहीं गए हैं, जैकेट को दोबारा देके आए, और कोई गारंटी नहीं, उन्होंने बोला अगर दूसरे वॉश में वो डैमेज भी हो सकती है। वेरी सैड। कोई बात नहीं, आप ज्यादा परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं दिलवाऊंगी आपको, बात नहीं दिलवाने की बात है। तो गाइज उनका मूड इसलिए खराब है क्योंकि उन्होंने वो न्यू जैकेट ही ली थी, 3 दिन ही पहनी है, और मेरी वजह से इनकी जैकेट खराब हो गई। अभी लॉन्ड्री वाले का फोन आया था कि आप अपने कपड़े ले जाओ, ये कपड़े लेने गए तो उस पे से दाग बिल्कुल नहीं गया था, वैसा का वैसा ही था, थोड़ा सा हल्का हो गया था, तो इन्होंने बोला कि यार ये तो गया ही नहीं, उन्होंने बोला नहीं गया, बहुत हमने वॉश करने की कोशिश की, तो इन्होंने बोला दोबारा से एक बार कर दो, तो उन्होंने कहा है कि दोबारा हम भेज देते हैं इसे धुलने के लिए, लेकिन दोबारा की वॉश में ये डैमेज भी हो सकती है क्योंकि थोड़ी हार्ड वॉश होगी। तो ब्लॉग को ज्यादा लंबा ना करते हुए आगे, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आज बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े, तो आप लोग ब्लॉग में देखो, मैं आपको दिखाऊं, मैंने चटनी तैयार कर दी है, मेरी प्याज कट हो गई है, और मैंने हरी मिर्च कट कर लिया है, धनिया कट कर लिया है, आलू मेरे बॉयल हो गए हैं, ब्रेड भी आ गया है, तो मैं जल्दी से तैयारियां करके फिर आपसे मिलती हूँ, और तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वो गिर जाएगा ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो गाइज ये मेरा आलू का मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, और ये मेरे ब्रेड भी तैयार हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बैटर, और ये देखो ये मेरा बैटर भी तैयार है, तो अब मैं आपको ब्रेड पकोड़े के साथ मिलूंगी। ओके तब तक आप लोग मेरा करो वेट। तो गाइज ये देखो मेरे यम्मी यम्मी ब्रेड पकोड़े तैयार हो रहे हैं,
और जल्दी से तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको लेके चलूंगी नितिन के पास और पूछते हैं उनसे कैसे बने। ठीक है, तो गाइस मेरे गरम गरम पकोड़े और चाय तैयार हो चुकी है और चटनी, तो चलिए पूछते हैं इनसे कैसे लगे। अच्छे लगे, मैंने तो भी टेस्ट करे, बहुत बेहतरीन मस्त लगे। होनी हाँ। और मैंने, वैसे मैं आपको बताऊंगा, मैंने ना फर्स्ट टाइम बनाई, क्योंकि घर पे ये सब चीजें मम्मी बनाती रहती थी, मैं उनकी छोटी मोटी हेल्प करती रहती थी तो, और यहाँ पे सब मैंने खुद किया, इन्होंने कुछ नहीं करा। नहीं, अच्छे बने। अच्छे बने। गाइस मैं खा लूँ फिर मिलूंगी आपसे, उसके बाद बात करूंगी सारी। तो गाइस हम लोगों ने खा लिए ब्रेड पकोड़े, उसके बाद मैंने सारा काम कर लिया, जो भी मेरा काम पड़ा था, किचन पूरा फैल गया था, वो सारा किचन को समेटा है, बर्तन साफ किए हैं और भी जो छोटे मोटे से काम थे वो सब निपटा दिए मैंने। तो टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, तो गाइस टाइम हो रहा है 10 बज गए और ये देखो मैं तो कंबल में आके बैठ गई, सब काम खत्म होगा। और गाइस यहाँ पे ना इतनी ठंडी हो रही है, क्योंकि यहाँ ना कल से ना, कल रात से बारिश हो रही है तो बहुत ठंडी हो रही है। अब आप लोग बोलोगे कि ठंडी हो रही है तो ये हाफ टी शर्ट में क्यों क्योंकि मैं पूरे दिन कंबल में ही पड़ी रहती हूँ, तो इसलिए मैं गर्म कपड़े नहीं पहन रही हूँ। और मैं क्या बताने वाली थी आपको, क्या कहने वाली थी हाँ तो इसलिए गाइस मैं पूरे कपड़े इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं पूरे दिन कंबल में लेटी रहती हूँ, मुझे कुछ काम वाम तो है नहीं, मैं काम तो करती ही नहीं हूँ, मेरा काम तो हमारे पड़ोसी आके करते हैं नहीं नहीं गाइस मैं काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ मैं, बहुत सारा। ये देखो मैं अभी भी कंबल में बैठी हूँ, तो मैं कंबल में बैठी रहती हूँ ना, इसलिए मैंने फुल टी शर्ट पहनी नहीं है। पर आपने मेरे विंटर की शॉपिंग का ब्लॉग तो जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो इस ब्लॉग से पहले ही मैंने अपलोड कर रखा है, प्लीज जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और सभी से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, प्यार दो, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और चलो तुमको ना एक बार टाटा बाय बाय बुलवाती हूँ, कैसे बोलेंगे टाटा बाय बाय, कैसे बोलेंगे टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय कैसे बोलेंगे बोलो टाटा बाय बाय बुलवाती हूँ आपको, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो गाइस ये देखो कितने टाइम, ये मतलब कि मैं आपसे क्या बताऊं, ये गाइस आपको पता है जब मेरा काम खत्म नहीं हुआ उससे पहले जाके कंबल में लेट गए, बताऊं कितनी जल्दी गुड नाइट हो रही है इनकी। गुड नाइट बोल दो सभी को, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट फ्रेंड्स, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए, बाय बाय।